हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद भाषा शिक्षण सी टेट स्पेशल। देखिए, भाषा शिक्षण की बात की जाए तो सबसे पहले तो बालक में भाषा शिक्षण, भाषा क्या है, भाषा का विकास कैसे होता है, तो हम सबसे पहले तो जन्म से लेते हैं। बालक का जब जन्म होता है तो वो ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। पहली बात, ना तो सामाजिक होता है, पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, ना तो सामाजिक ना ही असामाजिक। भाई बच्चा जब, बालक जब जन्म ले रहा है तो वो क्या जाने सामाजिक क्या होता है, असामाजिक क्या होता है, वो तो वातावरण के साथ जब घुलता मिलता है तब वो। बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर केवल और केवल उत्तेजना होती है। बोलिए क्या होती है? उत्तेजना होती है, केवल और केवल। और जब बालक जन्म लेता है तो क्रंदन करता है, क्रंदन, क्रंदन जिसको कहते हैं की, है ना, वो ये जो आवाज़ होती है आप लोगों ने तो देखा होगा, की ये जो आवाज़ होती है ना, इसी को जो है क्रंदन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्रंदन, जब बालक क्रंदन करता है इसके बाद जो वो रोने का जो आवाज़ होती है, जो रोता है, रोने के क्रम से, यानी जन्म के बाद रोने के क्रम से बालक में वैयक्तिक भिन्नता का प्रारंभ हो जाता है। ये बात है, सभी बालकों के रोने की जो तरीके होते हैं वो यहाँ से अलग अलग होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं रोने के क्रम से या जन्म के बाद बालक में वैयक्तिक भिन्नता स्पष्ट होने लगती है। तो वैयक्तिक भिन्नता यहाँ बिल्कुल जन्म के बाद और रोने के क्रम से ही, बिल्कुल जन्म के बाद और रोने के क्रम से ही बालक में वैयक्तिक भिन्नता स्पष्ट होने लगती है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब देखिए, जन्म के बाद वैयक्तिक भिन्नता के बाद ऐसी स्थिति में बालक आता है कि बालक जो है बलबलाता है। बलबलाना ये क्या होता है? बलबलाना मतलब बालक बू माँ पा ये जो शब्द बोलता है, इसका मतलब बालक अपने विचारों, अपने भावों को कुछ न कुछ वो बोलना चाह रहा है, वो व्यक्त करना चाह रहा है। इस तरह की जब वो स्थिति में आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बलबलाना कहते हैं। यही जो वो स्थिति है जिसे हम क्या कहते हैं? बलबलाना। अब यहाँ से बलबलाते बलबलाते धीरे धीरे ऐसे वातावरण और परिवेश में रहता है कि वो मातृभाषा की ओर प्रवेश करता है, मातृभाषा सीखने की स्थिति में जाता है। अब मातृभाषा सीखने की बात की जाए तो यहाँ पे दो तीन बातें आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो मातृभाषा और प्रथम भाषा दोनों में अंतर क्या है? क्या बालक की मातृभाषा और प्रथम भाषा एक हो सकती है या अलग अलग हो सकती है? तो इस प्रश्न के जवाब में यही उत्तर दिया जाएगा कि बालक की मातृभाषा और प्रथम भाषा एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। बिल्कुल, कैसे देखिए जरा। जैसे कि मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज में परिवेश में, वातावरण में हिंदी बोली जाती है यहाँ पे, राइट। अब मान लीजिए प्रयागराज में कोई बंगाली, आप ये पॉइंट्स नोट करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मान लीजिए कोई बंगाली पेरेंट्स आते हैं और यहाँ पे किसी बालक का जन्म देते हैं। अब आप बताइए, उनका, चूंकि उनकी जो मातृभाषा होगी, उस बालक की मातृभाषा जो होगी, बंगाली माता पिता की मातृभाषा जो होगी यहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में, मातृभाषा तो बंगाली ही रहेगी, लेकिन उस बालक, वो बालक जब परिवेश में आएगा, वातावरण में आएगा, तो हिंदी भाषा से अवगत होगा। और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं उस बालक की मातृभाषा तो बंगाली होगी, क्योंकि बंगाली उसके घर में उसके माता पिता बोल रहे हैं, लेकिन परिवेश में चूंकि हिंदी बोली जा रही है तो उस बालक की प्रथम भाषा हिंदी होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन मतलब अब आपने ये सिद्ध कर दिया कि उस बंगाल से आए हुए माता पिता जो कि प्रयागराज में आए हैं, वो ऐसे बालक
ऐसे जन्म लिए हुए बालक की मातृभाषा बंगाली होगी और प्रथम भाषा हिंदी होगी, यानी दोनों अलग अलग होगी। अब देखिए दोनों एक भी हो सकता है। मान लीजिए कोई माता पिता इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही, यहीं पे हैं, यहीं पे बच्चे का जन्म हुआ। अब ऐसे बालक की मातृभाषा भी हिंदी होगी और प्रथम भाषा, चूंकि वातावरण में भी हिंदी बोली जा रही है, तो प्रथम भाषा भी क्या होगी? हिंदी होगी। तो यहाँ पे मैंने ये सिद्ध किया, आप ऐसा कॉपी में लिख सकते हैं कि मातृभाषा और प्रथम भाषा अलग अलग भी हो सकती है और मातृभाषा और प्रथम भाषा एक भी हो सकती है बालक की, ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी मातृभाषा और प्रथम भाषा की चर्चा की। अच्छा, यदि मैं आपसे चर्चा करूँ, यदि मैं आपसे बात करूँ कि मान लीजिए जुड़वा बालक हैं, मान लीजिए जुड़वा बालक हैं, तो ऐसे बालक की भाषा का जो विकास होगा वो मंद गति होगा या तीव्र होगा। तो जुड़वा बालक हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वो आपस में ही वार्ता करेंगे, आपस में ही एक दूसरे को से बात करना चाहेंगे। ऐसी स्थितियों में चूंकि दोनों बालक को जुड़वा बालक को भाषा का ज्ञान नहीं है, भाषाई ज्ञान नहीं है, इसलिए भाषा का जो विकास होगा वो मंद होगा। देखिए भाषा का विकास बेहतर होने के लिए ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है कि भाषाई वातावरण में रहे, ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो भाषा बोलें। तो जब जुड़वा बच्चे रहेंगे तो वो चूंकि आपस में इंटरेक्ट होंगे, उनकी रुचि ऐसी रहेगी कि वो आपस में इंटरेक्ट होंगे, ऐसा स्वभावतः ऐसा होगा। ऐसी स्थिति में आप यूं कह सकते हैं, अपनी कॉपी में ये नोट कर सकते हैं कि जुड़वा बालकों की भाषा का जो विकास होगा वो मंद होगा, वो मंद होगा, ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि द्विभाषिक या बहुभाषिक कोई बालक ऐसे माहौल में रहता है, माता अंग्रेजी बोलती है और पिता हिंदी बोलते हैं, द्विभाषिक है या बहुभाषिक है, घर के परिवेश में अन्य कई भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, बंगाली, ऐसी स्थिति में भाषा, अब आप बताइए, कोई जल कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, ऐसी स्थिति में बालक भ्रमित हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि भाषा का विकास जो होगा वो मंद होगा, मंद गति से होगा, यदि किसी घर के परिवेश में, वातावरण में द्विभाषिक या बहुभाषिक वातावरण है, ऐसी स्थिति में भाषा का विकास, बालक के भाषा का विकास जो है वो मंद गति से होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा, अब यहाँ से प्रश्न उठता है, मातृभाषा से हम लोग पहुँचते हैं भाषा के पास, भाषा आखिर में होता क्या है? तो भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, भाषा भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, ऐसा हम कह सकते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने भावों को, अपने तथ्यों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या अगर हम आपसे बात करें, शेर, बिल्ली, जानवर, तमाम जो पशु पक्षी, जंगली जानवर, क्या उनकी भी भाषा होती है? क्या वो भी भाषा बोलते हैं? क्या उनकी जो ध्वनियाँ हैं उनको भी हम भाषा कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। उनकी ध्वनियाँ होती हैं, उनकी ध्वनियों को हम ध्वनि ध्वनि कह सकते हैं, उसको हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा अगर नाम देना है तो भाषा के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी भाषा वो होती है जिसकी एक लिपि हो सके और जिसको लिखित रूप में हम स्पष्ट कर सके, लिख सके। तो शेर, बिल्ली आदि के ध्वनियों को हम लिखित रूप में नहीं स्पष्ट कर सकते क्या वो कहना चाह रहे हैं। तो हमने ये स्पष्ट किया कि भाषा जो होती है उसकी अपनी एक लिपि होती है और भाषा वो होती है जिसे हम लिखित रूप में स्पष्ट कर सकें, वो भाषा होती है। यानी हमने ये सिद्ध किया कि जानवर, पशु पक्षियों, जंगली जानवरों आदि की अपनी, मतलब उन, आप ये नहीं कह सकते वो एक भाषा है, उसे आप नाम दे सकते हैं, ध्वनि, बिल्कुल ध्वनि नाम दे सकते हैं। अब एक बात और मैं आपसे कर लूँ, जैसे बालक का जब जन्म होता है तो बालक जन्म से 8-9 महीने तक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, जिसको अशाब्दिक भाषा आप कहते हैं,
सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, जिसे आप अशाब्दिक भाषा कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि बालक की जो प्रारंभिक भाषा है वो सांकेतिक होती है या अशाब्दिक होती है। बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं ये पॉइंट, बालक की जो प्रारंभिक भाषा होती है वो अशाब्दिक होती है या सांकेतिक होती है। अगर प्रश्न ये उठे कि भाषा का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, तो भाषा देखिए लिखित भी होती है भाषा और मौखिक भी होती है। भाषा लिखित भी होती है और भाषा मौखिक भी होती है। अगर मौखिक भाषा की अंतिम इकाई की बात करें तो मौखिक भाषा की अंतिम इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि। मौखिक भाषा की जो अंतिम इकाई होती है वो ध्वनि होती है और लिखित भाषा की अंतिम इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। टू द पॉइंट जो चीज़ें हम आपको बताते चल रहे हैं आप नोट करते जाइएगा। बिल्कुल मौखिक भाषा की जो अंतिम इकाई होगी वो ध्वनि होगी और लिखित भाषा की जो अंतिम इकाई होगी ये क्या होगी, वर्ण होगी। बिल्कुल इन पॉइंट्स को गौर करिएगा, एक एक पॉइंट्स जिनको हम बता रहे हैं नोट करा रहे हैं इनको आप नोट करिएगा और बहुत गंभीरता से। अब देखिए एक प्रश्न ये उठता है कि भाषा जन्मजात है या नहीं, तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको यही बताऊंगा कि भाषा जन्मजात नहीं है। भाषा का जो विकास होता है वो भाषिक वातावरण से होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, भाषा जन्मजात नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि भाषा जन्मजात है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जन्म लिया बच्चे को भाषा आती है, फिर तो ये कहने का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। वातावरण से बच्चा सीखता है ये सब बोलने का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि भाषा का विकास होता है बच्चे के अंदर, जन्म के बाद भाषा का विकास होता है और भाषा का जो विकास होता है वो भाषिक वातावरण से होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, भाषिक वातावरण से भाषा का विकास होता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाषा का विकास, अगर आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, जैसे मान लीजिए मोंगली, आपने मोंगली का नाम तो सुना होगा जंगलों में, तो वो मोंगली की भाषा क्या थी, वो जंतु जानवरों की भाषा थी, जिस माहौल में वो ध्वनियाँ प्रयोग करने लगी थी मोंगली, कि चूँकि वो इस इन्वायरमेंट जंगल की इन्वायरमेंट में रह रही थी, तो जैसा इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में आप रहेंगे वही ध्वनियाँ उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग करना आप सीखेंगे। यानी भाषा जो होता है वो भाषिक वातावरण पर निर्भर करता है। बालक का भाषिक वातावरण बेहतर है तो भाषा का विकास बेहतर होगा, अच्छा होगा। जैसा कि देखिए नॉम चॉम्स्की महोदय ने क्या कहा कि भाषा जन्मजात नहीं है बल्कि भाषा अर्जन जन्मजात है। देखिए नॉम चॉम्स्की, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नॉम चॉम्स्की महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाषा अर्जन जन्मजात है, भाषा अर्जन जन्मजात है। इन्होंने क्या कहा कि भाषा अर्जन जन्मजात है। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाषा जन्मजात है, अगर ये कह देते कि भाषा जन्मजात है तो पूरी कहानी ही फेल हो जाती। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि भाषा अर्जन जन्मजात है। इसका मतलब क्या हुआ कि बालक के अंदर जन्म लेते ही वो अर्जित करने लगता है, ज्ञान को एज्यूम करने लगता है, एक्वायर करने लगता है, ग्रहण करने लगता है, यानी भाषा अर्जन अर्जित करने लगता है, उसके अंदर ऐसी क्षमताएं होती हैं। यानी बालक जन्मजात ऐसी शक्तियों से युक्त होता है जिससे वो भाषा को अर्जित करने लगता है। बालक के अंदर भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमताएं होती हैं। अगर प्रश्न आ जाए ऐसा किसने कहा, तो ऐसा नॉम चॉम्स्की ने कहा। ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, ये आपका किसी भी पार्ट में आ सकता है। हाँ, इनबॉर्न, आप इसको लिख सकते हैं, इनबॉर्न कैपेसिटी टू लैंग्वेज एक्वायर, आप ये लिख सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि भाषा एक्वायर करने की, भाषा ग्रहण करने की जन्मजात शक्तियों से निहित होता है बालक, ऐसा किसने कहा, है ना।
भाषा एक्वायर करने माने ग्रहण करने की, जन्मजात, इनबॉर्न का मतलब क्या हो गया, जन्मजात, कैपेसिटी माने शक्ति ताकत, उसके अंदर जन्मजात शक्ति होती है, किसकी, भाषा ग्रहण करने की, भाषा लैंग्वेज एक्वायर करने की जन्मजात शक्ति होती है। तो अगर ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि किसने कहा कि बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्तियों से युक्त होता है, तो ऐसा किसने कहा, नॉम चॉम्स्की। एक नाम दे पाएंगे, क्या नाम दे पाएंगे, नॉम चॉम्स्की। ये हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, ये संस्कृत में पूछ लिया गया था, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों पार्ट्स का में ये प्रश्न, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, पूछ सकता है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नॉम चॉम्स्की महोदय ने किस पे बल दिया, भाषा अर्जन पे बल दिया, भाषा को एज्यूम करने पे बल दिया, भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है, इस पे हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपसे, इस पे विस्तार से चर्चा होगी। अब देखिए, नॉम चॉम्स्की महोदय ने LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की चर्चा की। नॉम चॉम्स्की महोदय ने गहरी संरचना और सतही संरचना की चर्चा की। नॉम चॉम्स्की महोदय ने सार्वभौमिक व्याकरण के नियम की चर्चा की। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब प्रश्न बखूबी पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें, तो वाइगोत्स्की ने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की ने दिया सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसी तरह से उन्होंने दिया सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, और नॉम वाइगोत्स्की महोदय ने जोर दिया समाज पर। उनके समाज में विद्यालयी परिवेश भी सम्मिलित है, विद्यालयी परिवेश पर भी उन्होंने अत्यधिक जोर दिया। अब देखिए, अगर मैं बात करूं वाइगोत्स्की की बात करूं, तो वाइगोत्स्की ने एक थियरी दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, और वो दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब ZPD क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए ZPD की अवधारणा किसने दिया था, तो आप एकमात्र उत्तर देंगे, और वो उत्तर होगा किसने, वाइगोत्स्की ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्कैफोल्डिंग की अवधारणा, अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इस पर चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दिया था, इसको हम ढांचा निर्माण कहते हैं, तो वाइगोत्स्की। आप किसका नाम लेंगे, वाइगोत्स्की। आपसे पूछ लिया जाए LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LED की अवधारणा किसने दिया था, लैंग्वेज भाषा अर्जन यंत्र, सीधे आपसे पूछ ले भाषा अर्जन यंत्र की अवधारणा किसने दिया था। अब देखिए, जैसे जैसे मैं प्रश्न आपको बोल रहा हूँ, आप प्रश्न नोट करते जाइएगा, कितने प्रश्न में भाषा अर्जन यंत्र की अवधारणा किसने दिया, इसको नोट करिए, नॉम चॉम्स्की ने दिया। इसकी पूरी व्याख्या करेंगे हम आगे की वीडियो में। LED की अवधारणा किसने दिया, नॉम चॉम्स्की ने दिया, ठीक है। प्रश्न पूछ लिया ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, नज़दीकी विकास का क्षेत्र, नज़दीकी विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दिया, तो वाइगोत्स्की, ये आप लगाएंगे, सीधे प्रश्न लिख लीजिए, ये प्रश्न सीधे लिखिए, सीधे प्रश्न बन जाए, इसका फोल्डिंग की उदाहरण किसने दिया, तो वाइगोत्स्की। अब ये क्या होते हैं, इन पे चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा इन पे करेंगे। तो ढेर सारे प्रश्न, किसने कहा कि भाषा अर्जन जन्मजात है, बालक के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, ऐसा किसने कहा, तो आप नॉम चॉम्स्की, ये पॉइंट सब नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने भाषा के संदर्भ में तमाम बातें बताई, नेक्स्ट वीडियो में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम बताएंगे, इसके बाद नॉम चॉम्स्की वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, मित्रों को भी बताइए, कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा। कंप्लीट लेक्चर के लिए आप व्हाट्सअप करिए, पूरे चैप्टर, मतलब ये केवल हिंदी नहीं, कंप्लीट आपका हिंदी संस्कृत इंग्लिश सभी, चाइल्ड साइकोलॉजी मैथ कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।